हरनाई से मीडिया नुमाइंदगान के वफद का हरनाई बचाओ तहरीक के पैदल लॉन्ग मार्च में माड़ी कच पहुंचने के बाद हरनाई बचाओ तहरीक के नुमाइंदगान का ज़ियारत के इलाके माड़ी कच में सैयद नूर मोहम्मद शौक की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरनाई नाकस गोचीना शारख खोसर सजू की आवाम की जानिब से सपोर्ट करने और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी फ्राहम करने पर इनका खसूसी शुक्रिया अदा किया गया। 47 मुतालबात के हल तक पैदल मार्च जारी रखने का अजम तहरीक हरनाई के 47 हकूक के लिए हरनाई टू कोयटा पैदल लॉन्ग मार्च के शुरका ने मुसलसल 5वें दिन की पैदल सफर के बाद जियारत के इलाके यूनियन कौंसल कच पहुँच कर कैंप लगा दिया, जहाँ से वो कल अपने अगले सफर पर पैदल कोयटा के लिए रवाना होंगे। हरनाई बचाओ तहरीक ने हुकूमत से हरनाई तहसील शारक के कुल 47 मुतालबात को हल करने का मुतालबा किया, जिसके लिए वो हरनाई से कोयटा तक पैदल मार्च कर रहे हैं। इस बाबत वो रास्ते में कई मुकामात पर कैंप भी लगाएंगे। सबसे पहले मैं साफी हजरात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हरनाई लॉन्ग मार्च पैदल मार्च जो हरनाई से 22 सितम्बर को निकला है, इन्होंने मुकम्मल इनके साथ ताउन किया है और इन लोगों को लम्हा बलम्हा जो है वो कवरेज दी है। और उसके बाद मैं हरनाई से सैयद नूर मोहम्मद शाह साहब और उसके साथ जो